मोच से राहत के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर स्प्रेन, ऊंची एड़ी के जूते चप्पल पहनने, पैर ऊंचे नीचे पड़ने, व्यायाम बहुत ज्यादा या गलत करने से, बहुत ज्यादा चलने, गलत तरह से उठने बैठने आदि ऐसे कुछ कारण हैं जिनसे शरीर में मोच स्प्रेन की स्थिति बन जाती है। कई दफा दर्द असहनीय भी हो सकता है और प्रभावित जगह पर लाल या नीला निशान और सूजन भी आ सकती है। यदि खिंचाव की परेशानी हो तो पैरों को ठंड से बचाएं और ऐसे कपड़े का चुनाव करें जो ठंड के दिनों में आपके पैरों को हवा ना लगने दे। आइए जानें मोच से राहत के घरेलू उपाय, होम रेमेडीज फॉर स्प्रेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नेचुरल नुस्खे में, जिसमें हम आपको कुदरत के अनमोल फल फूल सब्जियों और आपको स्वस्थ करने वाले अनेक गुणों से आपको रूबरू कराते हैं। जो जानकारी आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और हमेशा हमसे जुड़े रहें। हमारे इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बगैर समय गवाए आइए शुरू करते हैं। गर्म और ठंडा सेक, हॉट एंड कोल्ड कंप्रेस। शरीर के दर्द वाले हिस्से पर क्रम से गर्म और ठंडे पानी का सेक करें। ये तनावग्रस्त मांसपेशियों को आराम पहुंचाएगा। तनावग्रस्त मांसपेशी में आराम के लिए गुनगुने पानी से नहाया जा सकता है या भाप ले सकते हैं। बर्फ लगाकर भी आराम पा सकते हैं। मांसपेशी को खींचना, स्ट्रेच योर मसल। दिन प्रतिदिन की सामान्य शारीरिक प्रक्रिया के लिए जाने से पहले मांसपेशियों को खींचना महत्वपूर्ण होता है। इसके लिए हल्की हल्की स्ट्रेचिंग करें। अगर आपको रात में सोते समय पैरों में खिंचाव होता है तो अच्छा होगा कि आप मांसपेशियों को खींचने का अभ्यास करें। तरल पदार्थ लेते रहें, टेक एनफ लिक्विड। तरल पदार्थ के साथ पानी को नियमित अंतराल पर लेकर शरीर में नमी बनाए रखें। 8 गिलास पानी पीने के साथ आपको फलों का जूस भी पीना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में तरल लेना आपके मांसपेशियों में कम मरोड़ पैदा करेगा और आराम देगा। केला, बनाना। केले में पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम होता है, यह शरीर के लिए बेहद अच्छा होता है। अगर नाश्ते या भोजन के बाद प्रतिदिन एक केला खाते हैं तो यह मांसपेशियों को मरोड़ से दूर रखेगा और खिंचाव से राहत देगा। गर्म पैड से सिकाई, हॉट पैड। एक समय ऐसा था जब लोग गर्म पानी को पैड पर डालकर फिर इस्तेमाल करते थे और शरीर पर लगाकर सभी प्रकार के दर्द से दूर रहते थे, लेकिन अब बाजार में बिजली से चलने वाले गर्म पैड मौजूद हैं। इन पैड से सिकाई करने से मांसपेशियों का खिंचाव दूर होता है और दर्द से राहत मिलती है। मालिश, मसाज। प्रभावित हिस्से की मालिश करने से भी बेहद राहत देता है। किसी भी तेल को थोड़ा गुनगुना करके उसमें लहसुन की कुछ कलियां डालें, कुछ देर इस तेल को और गर्म करें और गुनगुना रहने पर प्रभावित हिस्से की हल्के हाथों से मालिश करें। कुछ ही देर में पैरों में खिंचाव कम होगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। आपको हमारी ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेचुरल नुस्खे को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर फिटनेस टिप्स से जुड़े वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।